ताजमहल एक प्रसिद्ध भारतीय पर्यटक स्थान है जो हर साल 10 लाख से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। क्या आप जानते हैं कि आगरा को सबसे पहले ताजमहल बनाने के लिए नहीं सोचा गया था? हाँ, आपने सही सुना। पहले ताजमहल मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर शहर में बनना था, जहां मुमताज की प्रसव के दौरान मौत हो गई थी। लेकिन दुर्भाग्य से बुरहानपुर पर्याप्त सफेद संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और इसीलिए आगरा में ताजमहल बनाने का अंतिम निर्णय लिया गया, जो अब आगरा में एक लोकप्रिय घरेलू पर्यटक आकर्षण बन गया है। मुमताज शाहजहां की तीसरी पत्नी थी और पहले उन्हें अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जाना जाता था। मुमताज ने शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए अपनी जान गंवा दी। ताजमहल के निर्माण के लिए लगभग 1000 हाथियों को लगाया गया था, जो निर्माण सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते थे। ताजमहल को 28 प्रकार के कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों से सजाया गया था। निर्माण में संगमरमर के पत्थरों को विभिन्न क्षेत्रों और देशों से खरीदा गया था, जिसमें से पारभाषी सफेद संगमरमर मकराना से खरीदा गया था, जो राजस्थान में मार्बल्स के लिए एक प्रसिद्ध स्थान है, जेड और क्रिस्टल चीन से, जैस्पर पंजाब से, लापिस लाजुलाई अफगानिस्तान से, कार्नेलियन अरब से और टर्क्वाइश तिब्बत से आयात किया गया था। ताजमहल परिसर में घूमते हुए आप हर जगह कुरान की अलग अलग आयतें लिखी हुई देख सकते हैं। मुमताज महल के वास्तविक मकबरे में अल्लाह के लगभग 99 अलग अलग नाम हैं, जिन्हें सुलेख शिलालेखों के रूप में चित्रित किया गया है। ताजमहल के निर्माण के लिए सामग्री पंजाब, राजस्थान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चीन, तिब्बत और अरब जैसे विभिन्न क्षेत्रों और देशों से लाई गई थी। शाहजहां काले संगमरमर का उपयोग करके एक और ताजमहल का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन अपने बेटे के साथ बढ़ते युद्ध के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और दुनिया भर में जाना जाता है। हालांकि यह तथ्य कि शाहजहां अपने लिए एक काला ताजमहल बनाना चाहते थे निश्चित रूप से आपको चकित करेगा। उन्होंने नदी की दूसरी ओर अपना मकबरा बनाना शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा करने में असमर्थ रहे क्योंकि उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें बंदी बना लिया था। हमेशा की तरह इस मकबरे के बारे में भी अफवाह फैलाने वालों में तेजी थी कि सम्राट ने आदेश दिया है कि मकबरे पर काम करने वाले
सभी श्रमिकों के हाथ काट दिए जाएं, ताकि कोई भी ऐसा कुछ फिर कभी ना बना सके। ताजमहल एक इस्लामी धार्मिक इमारत, मस्जिद और मकबरा है, जिसे 17वीं शताब्दी में राजा शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। इसके मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल का निर्माण दुनिया भर की सामग्रियों से किया गया था और 20,000 से अधिक लोगों का उपयोग निर्माण सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए किया गया था। '1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा मकबरे की दीवारों से कई कीमती पत्थरों को तोड़ दिया गया था। यदि ध्यान से देखा जाए तो ताजमहल के 4 स्तंभ या मीनारे सीधे खड़े होने के बजाय बाहर की ओर झुकी होती है। इसका निर्माण इस तरह से इसलिए किया गया था ताकि भूकंप जैसे किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में मीनारों के गिरने से मुख्य गुंबद को या मकबरे को क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। ताजमहल की वास्तुकला वास्तव में प्रारंभिक मुगल डिजाइनों का विस्तार और चित्रण करती है, जो भारतीय, फारसी और इस्लामी डिजाइन परंपरा का एक संयोजन है। ताजमहल की दीवारों पर की गई सुलेख ज्यादातर पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ से ली गई है। ताजमहल की दीवारों के अलावा रानी मुमताज महल और बादशाह शाहजहां के मकबरे पर भी छंद खुदा हुआ है। ताजमहल कुतुब मीनार से भी लंबा है। 73 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंट मीनार है, जिसकी माप 72.5 मीटर है। ताजमहल के अंदर एक लैंप पर लॉर्ड कर्जन का नाम अंकित है। लगभग 60 किलोग्राम वजन का यह सुंदर दीपक तांबे का बना है और इसे शाही द्वार के नीचे रखा जाता है। ताजमहल दिन के अलग अलग समय में एक अलग रंग का दिखाई देता है। यह सुबह गुलाबी, शाम को मिल्की वाइट और चंद्रमा के चमकने पर सुनहरा होता है। '1632 से 1653 के बीच शाहजहां द्वारा इस खूबसूरत इमारत का निर्माण के लिए 32 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। ताजमहल के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से यह एक बात है कि इस खूबसूरत इमारत ताजमहल को पूरा होने में लगभग 22 साल लगे थे। नवंबर साल 2000 में पीसी सरकार नामक एक प्रसिद्ध जादूगर ने एक ऑप्टिकल इल्यूजन भ्रम पैदा कर ताजमहल को
दर्शकों की आंखों से लगभग 2 मिनट के लिए गायब कर दिया था। ताजमहल का विशाल परिसर 55 एकड़ भूमि में फैला हुआ है, जिसके अंत में सफेद मकबरा है जो यमुना नदी से घिरा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ताज अब तक की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है। हालांकि प्रदूषण के कारण ताजमहल का रंग धीरे धीरे पीला होता जा रहा है और यह धीरे धीरे एसिड वर्षा से भी क्षतिग्रस्त हो रहा है। यह नुकसान के लिए पास की एक तेल रिफाइनरी को जिम्मेदार भी ठहराया गया है। साल 2096 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्थानीय उद्योग ताजमहल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अदालत ने ताजमहल के चारों ओर 10,400 वर्ग मीटर का एक क्षेत्र स्थापित किया, जिसे ताज ट्रेपेजियम जोन कहा जाता है। इस क्षेत्र के उद्योगों को कोयले के बजाय प्राकृतिक गैस का उपयोग करने का आदेश दिया गया। दोस्तों, ताजमहल को 1632 से शाहजहां ने बनवाना शुरू किया, जिसे उनकी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया गया था, जिनकी मृत्यु 17 जून साल 1631 को हो गई थी, जबकि उनके 14वें बच्चे गौहर बेगम को जन्म दिया गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और मकबरा 1648 में पूरा हुआ था, जबकि आसपास के भवन और उद्यान 5 साल बाद समाप्त हो गए थे। मुमताज महल की मृत्यु के बाद शाहजहां के दुख का दस्तावेजीकरण करने वाला शाही दरबार ताजमहल की प्रेरणा के रूप में आयोजित प्रेम कहानी को दर्शाता है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। उन्होंने इस इमारत का निर्माण अपने प्रिय पत्नी मुमताज की याद में ही बनाया, जिसे देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं और इसे दुनिया भर में प्रेम का प्रतीक मानते हैं।